वेलकम एवरी वन बैक टू द ग्राइंड तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी होप यू हैड एन ऑसम दिवाली एंड लाइक आई सेड वी आर बैक टू द ग्राइंड और अब हमको वापस अपनी पढ़ाई शुरुआत करनी है आफ्टर ऑल द फेस्टिवल्स एंड ऑल आर डन सो वेलकम एवरी वन आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेज एंड दिस इज स्टैटिस्टिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड इलेवंथ हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर सिक्स और आज मैं करने वाली हूँ इस चैप्टर से सबसे प्रॉबेबल क्वेश्चन जो आ सकता है यानी पाई चार्ट का वीडियो ओके सो लेट्स बिगिन गाइज राइट सो पाई चार्ट क्या है अगेन आई आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर हमने इससे पहले करी टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स अगर आप डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपके पास वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं द सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छह नंबर का क्वेश्चन आता है इज पाई चार्ट पाई चार्ट मतलब सर्कल में आप अपना डेटा प्रजेंट uh, कर रहे हैं इट्स वेरी क्विक बड़ी इजीली समझ में आ जाता है किसका मार्केट शेयर कम है किसका ज़्यादा है इसीलिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक है राइट right? सो so, आज ये समझेंगे कि इसको करना कैसे है अगर एग्जाम में ये छः नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या आता है लेट्स लुक एट द टेबल सो आई एव यूज अ डेटा फॉर टी वी सेट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स इन द ईयर टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी ओके दो सालों में चार ब्रांड्स हैं उनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई डिफरेंट सेट्स की उसका डेटा मैंने यूज़ किया है ये डेटा है और मैंने 2019 के टीवी सेट्स का टोटल लिया है 2020 के टीवी सेट्स का टोटल लिया है फाइन सिंपल अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं या तो तुमको अगर तुम्हें डेटा जो है वो डायरेक्ट डेटा की तरह गिवन है यानी परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं है देन यू हैव टू टेक टू स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप नंबर वन कन्वर्ट इन टू परसेंटेज यानी डेटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में मैंने परसेंटेज तो uh, निकालनी है तो कैसे निकालेंगे ट्वेंटी विच इज एक्स बाई टोटल इंटू हंड्रेड परसेंटेजेज निकालने के लिए हम सब कुछ इंटू हंड्रेड कर देते हैं सो so, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको इंटू हंड्रेड करके सॉल्व कर लेंगे ठीक है देन आपने स्टेप नंबर वन कर लिया यानी आपने परसेंटेज में उसको निकाल लिया देन स्टेप नंबर इज टू कन्वर्ट दैट परसेंटेज इंटू डिग्रीज फिर उस परसेंटेज वाले डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करो कैसे x बाय हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी अब ये x क्या है जो परसेंटेज तुम्हारी निकल कर आई थी दैट इज x अपॉन हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी डिग्रीज ठीक है तो या तो तुम्हें डेटा गिवन है डायरेक्टली नॉट इन परसेंटेजेस इट्स क्लियर डेटा गिवन तो आपने दो स्टेप्स फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर वन कन्वर्ट द डेटा इनटू परसेंटेज स्टेप नंबर टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डिग्रीज ठीक है दो तरीके कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली हेडर चेक करना हेड नोट चेक करना टेबल का अगर लिखा है डेटा इन परसेंटेज तो मतलब डेटा ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है तो फिर स्टेप नंबर वन करने की जरूरत नहीं है फिर स्टेप नंबर वन स्किप कर दो सीधा जो डेटा गिवन है परसेंटेज में उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके अपनी कैलकुलेशन कर लो कई बच्चे पूछते हैं छह नंबर का क्वेश्चन क्यों है ये छह नंबर का क्वेश्चन इस कैलकुलेशन उसके बाद पाई जो बनाना पड़ेगा डी यूज करके उसकी वजह से है फाइन क्लियर है सो लेट्स डू इट सो मैंने क्या कहा दो तरीके या तो तुम्हें डायरेक्ट डेटा गिवन है डायरेक्ट डेटा गिवन है तो स्टेप नंबर वन परसेंटेज चेंज स्टेप नंबर टू डिग्री चेंज परसेंटेज में डेटा गिवन है तो स्किप स्टेप नंबर वन एंड स्ट्रेट अवे गो टू थ्री सिक्सटी डिग्री वाला फॉर्मूला ठीक है करके देखते हैं लेट्स डू इट सो आनिडा का ट्वेंटी नाइनटीन के लिए मैंने सॉल्व किया है बिकॉज दिस डेटा इज इन डायरेक्ट नंबर्स इट्स नॉट इन परसेंटेज सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन फर्स्ट इन टू और फिर मैं उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगी कैसे X by टोटल इंटू हंड्रेड विच इज 20 बाई वन फिफ्टी इंटू हंड्रेड अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो स्टेप नंबर टू क्या 13.33 पॉइंट थ्री थ्री अपॉन डिग्री हमारे पास आ गई 47.9 डिग्री का डेटा सिमिलरली अगर L.G का निकालना है तो पहले परसेंटेज में निकालूंगी लेट मी सॉल्व इट ह्योर L.G का मैं यहां सॉल्व कर रही हूं 40 बाय वन ओके सो दिस इज गोइंग टू बी फोर हंड्रेड बाई फिफ्टीन वट एवर दिस कम्स आउट टू बी लेट्स कॉल इट एक्स और फिर जो भी आएगा उस एक्स बाई हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी डिग्री स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू मेरे पास डिग्री आ गई लेट्स कॉल इट वाई ऐसे करके तुम हर किसी का तो टेबल में दो और कॉलम एड होंगे परसेंटेज डिग्री परसेंटेज डिग्री तो इसका भी बनेगा परसेंटेज डिग्री इसका भी बनेगा परसेंटेज और डिग्री ठीक है अब आओ पाईचार्ट पे अब तुम्हारे पास एक बार तुम्हें डिग्री क्यों चाहिए क्योंकि पाई चार्ट इज अ सर्कल और सर्कल में 360 डिग्री एंगल का सीन होता है सो so, अगर आपको सर्कल में प्लॉटिंग करनी है तो आपके पास डिग्रीज ही होनी चाहिए इसीलिए हम हर डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं फाइन नाउ वी विल मेक टू सेपरेट पाई चार्ट इन दो सालों के लिए दो अलग पाई चार्ट बनेंगे यानी दो अलग सर्कल्स बनेंगे बिकॉज आप दो सालों का डेटा डिपिक्ट कर रहे हैं अगर एग्जाम में दो सेट्स आते हैं तो आपको दो डेटा सेट्स बनाने पड़ेंगे दो पाई चार्ट्स बनाने पड़ेंगे ऑल राइट हाउ विल यू डू इट सो लेट्स से दर इज फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन डिग्री अपना डी पकड़ो पहले तो तुम्हें पता है तुम एक सर्कल ड्रा करोगे कंपस से आई आई कैन ड्रॉ इट ही बट यू नो इट हाउ टू ड्रॉ इट फिर डी पकड़ो और डी को स्ट्रेट जो तुम्हारा डायमीटर है उस पर सेट करो एंड टेक द फर्स्ट डिग्री फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन तुम अगर यहाँ डी लगाओगे अक्यूट एंगल बनेगा तो तुम उस एक्यूट एंगल को लेट्स से ये एंगल मान लो हमने यहां डिग्री सेट की और हमको यहां कहीं 47.9 का एंगल बैठ रहा है सो so, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ गाइज आई एम डूइंग इट रफली ओके समथिंग लाइक दिस सो दिस इज 47.9 डिग्री ठीक है अब मान लो अगली जो वैल्यू आती है वो 30 डिग्री है तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ एंगल इधर लगाऊंगी डी माइंड यू पहले मैंने डी स्ट्रेट रखा 47.9 डिग्री का सीन आया अब मैं डी यहाँ रखूँगी और यहाँ से लेट्स से 30 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ आया सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्लॉट इट हियर एंड आई विल से 30 डिग्री अब 47.9 डिग्री क्या था ऑनिडा सो लेट्स राइट ऑनिडा 30 डिग्री क्या है एलजी सो लेट्स राइट एलजी सो ऑन एंड सो फोर तो आपने क्या करना है स्टार्टिंग यहाँ से करो उसके बाद अगला डी यहाँ लगाओ फिर डी यहाँ रखो ऐसे करते करते पूरा पाई चार्ट बना लो ठीक है सेम थिंग हैज टू बी डन फॉर दिस बट आप क्लियरली इसके नीचे लेबलिंग क्या है इसमें एक तो डिग्रीज लिखना बहुत ज़रूरी है दूसरा लेबलिंग जो ब्रांड्स के नाम हैं वो लिखना बहुत जरूरी है एंड थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू और आप एक और पाई चार्ट बनाते हैं टू ये दोनों लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज डू नॉट फगेट हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं वी आर डूइंग डेटा प्रेजेंटेशन और डेटा वही अच्छा जो अपने आप से बोले यानी जिसपे सवाल ना करने पड़े दिख के समझ में आ जाए सो यू हैव टू थिंक कि ऐसी कौन सी चीज है ऐसा कौन सा लेबल है अगर मैंने मिस कर दिया तो डेटा अधूरा रह जाएगा एंड दैट विल आंसर योर क्वेश्चन की टीचर्स मार्क्स क्यों काटती है बिकॉज इट्स प्रेटी कॉमन सेंसिकल ओके आई होप निस इज क्लियर इसके साथ चैप्टर क्लोज हो जाता है बिकॉज पाई चार्ट और बायोगग्राम इस चैप्टर में बहुत आती हैं रही थ्योरी की बात तो थ्योरी पे परसेंटेज बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम और uh, जो आपका ये होता है डिविएशन बार डायग्राम इसके एमसीक्यूज इसके रिटर्न